ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। इन दिनों हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान काफी सुर्खियों में है। इसकी कई वजह है, पर जिस वजह की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। भाई, पाकिस्तान आजकल बिजनेस में खूब तरक्की जो कर रहा है, तरक्की भी कोई ऐसी वैसी नहीं, गधों की तरक्की। पाकिस्तान गधों की पैदावार बढ़ाने पर काम कर रहा है। गधों के प्रति उनके प्रेम को देखकर पाकिस्तान को गधों का देश कहना गलत नहीं होगा। देखते हैं गधों पर हमारा ये खास कार्यक्रम। जितना हमारी जानकारी कहती है, गधों का इस्तेमाल सारी दुनिया सामान ढोने के लिए करती है। पाकिस्तान में भी इनका इस्तेमाल सामान ढोने, गधा गाड़ी और कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पर किया जाता है। पर आप ये नहीं जानते होंगे इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है। चीन में सबसे ज्यादा गधे हैं। इसके बाद इथियोपिया का नंबर आता है और तीसरा नंबर है पाकिस्तान का। चीन में गधों का इस्तेमाल बहुत सी चीजों में किया जाता है। गधे की खाल से निकली हुई जेलेटिन का इस्तेमाल कई तरह की महंगी दवाओं को बनाने में किया जाता है। गधे के मीट से हेल्थ फूड्स बनाए जाते हैं। चीन में गधों का मीट इतना पॉपुलर है कि यहाँ पर अफ्रीका से गधों को इंपोर्ट किया जाता है। अफ्रीका के अलावा चीन में गधों की खपत को पूरा करने का भार उठाया है पड़ोसी देश पाकिस्तान ने। जी हाँ, एक प्रस्तावित व्यापार योजना के तहत पाकिस्तान चीन को गधों का निर्यात करके खूब पैसे बना रहा है, निर्यात में कोई बाधा ना हो। इसके लिए पाकिस्तान गधों की आबादी भी बढ़ा रहा है, यानी पाकिस्तान की गाड़ी अब गधे चला रहे हैं। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, सरकार भी वहाँ गधों की सरपरस्ती में चल रही है। पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के मुताबिक गधों की संख्या के मामले में पाकिस्तान पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में साल 2015 तक 51 लाख गधे थे, जो 2016 में 52 लाख हो गए। इसके अलावा 2017 में गधों की संख्या 53 लाख हो गई। वैसे पाकिस्तान में असली के साथ साथ नकली गधों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लाहौर में ही गधों की संख्या 41,000 हो चुकी है। लाहौर में दिन प्रतिदिन गधों का बिजनेस खूब बढ़ रहा है और इनकी कीमतों में खासी तेजी भी आई है। आपको बता दें, लाहौर में एक गधा 35,000 से लेकर 55,000 तक मिलता है। चौंक गए ना? और गधे के मालिक को एक दिन में 800 से 1,000 रुपए की कमाई बड़ी आसानी से हो जाती है। पाकिस्तान ने 2017 में गधा विकास कार्यक्रम में अरबों रुपए का निवेश भी किया है। इसके पीछे वजह है चीनी निवेशकों को खैबर पख्तूनख्वा में आकर्षित करना। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में गधे के निर्यात से मिलने वाली आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अहम हिस्सा है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान को गधों ने जिंदा रखा हुआ है। चीन के वजह से पाकिस्तान में गधों का काफी ध्यान भी रखा जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें बीमारी से बचाने के लिए सरकार ने अस्पताल भी खोला है, जहां उनका मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। इस कदम से गधे के मालिक भी काफी खुश हैं, क्योंकि उनका गधा जब निरोगी रहेगा तभी तो ज्यादा कमाई कर सकेगा। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें एक पाकिस्तान का रिपोर्टर गधे पे बैठकर रिपोर्टिंग करते हुए नीचे गिर जाता है। इस वीडियो को मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने ट्विटर पर पिछले साल 19 सितंबर के दिन को शेयर किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, गधों के व्यापार के मामले में लाहौर फल फूल रहा है। देखिए, मेरा एक पुराना मित्र अमीन हाफिज अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहा है। भाई, कुछ भी हो, इन दिनों पाकिस्तान गधों की वजह से खूब तरक्की कर रहा है। पिछले कुछ सालों में इनकी आबादी में बड़ी गिरावट आई है। धीमी प्रजनन क्षमता के कारण आपूर्तिकर्ताओं को अन्य विकल्प पर ध्यान देना पड़ा है। पाकिस्तान वैसे तो बड़ी बड़ी हाँकने में सबसे आगे है और अब गधों के मामले में भी आगे निकल गया है। चलो अच्छा है, जिस देश की बागडोर गधों के हाथ में हो उसे तो भगवान ही बचाए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।